खबर भोजपुरी स्टार पवन सिंह से जुड़ी हुई है। पवन सिंह ने ऐलान किया है लोकसभा चुनाव लड़ने का। उन्होंने बताया कि वो चुनाव लड़ेंगे, जनता से किया वादा वो पूरा करेंगे, ऐसा वो कह रहे हैं। वादा पूरा करने के लिए चुनाव लड़ूंगा, आप सभी का आशीर्वाद चाहिए। पवन सिंह ने सोशल साइट यानी कि एक्स पर ऐलान किया है और पवन सिंह ने लिखा है कि मैं अपने समाज, जनता जनार्दन और मां से किया हुआ वादा पूरा करने के लिए चुनाव लड़ूंगा, आप सभी का आशीर्वाद और सहयोग अपेक्षित है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि आसनसोल से पहले इनको उम्मीदवार बनाया गया था, लेकिन इन्होंने आसनसोल से चुनाव नहीं लड़ने की बात की थी। ज्यादा जानकारी देंगे संवाददाता अमितेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमितेश, देखिए पवन सिंह ने अब दोबारा से लिखा है कि चुनाव लड़ेंगे वो, तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि कहां से चुनाव लड़ रहे हैं, क्या मन इन्होंने बनाया है? देखिए ये चीज बिल्कुल साफ है, पवन सिंह को आसनसोल से जब टिकट दिया गया था बीजेपी से, तो उस वक्त उन्होंने बीजेपी की बात तो मान ली थी, लेकिन कंट्रोवर्सी होने के बाद उन्होंने अपना टिकट जो है वापस कर दिया था, अपना नाम वापस कर लिया था। लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक पवन सिंह चाहते थे कि हम बिहार के रहने वाले हैं, इसलिए हम बिहार से ही चुनाव मैदान में उतरे। आरा की सीट उनकी प्राथमिकता शुरू से रही है, आरा के रहने वाले हैं, इसलिए पवन सिंह चाहते हैं हम आरा से ही चुनाव लड़े। बीजेपी से इसी बात पर उनकी बात चल रही थी, लेकिन बीजेपी की तरफ से आरा पर सहमति नहीं बनी, आरा देने के लिए बीजेपी तैयार नहीं थी, इसलिए जो पवन सिंह जो है चाहते थे कि बिहार में ही किसी दूसरे जगह से हम चुनाव मैदान में उतरे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आसनसोल से टिकट मिला, जो कंट्रोवर्सी हुई उसके बाद उन्होंने अपना टिकट वापस किया, और निश्चित रूप से एक चीज अब क्लियर हो चुका है कि पवन सिंह चुनाव लड़ने जा रहे हैं, उन्होंने ऐलान कर दिया, उन्होंने पार्टी का नाम नहीं लिया है। लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक पवन सिंह विरोधी खेमे से उनकी बातचीत चल रही है, और पवन सिंह विरोधी दल से जो दूसरे दल है आरजेडी के साथ जो है उनकी बातचीत चल रही है, जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक, और पवन सिंह आरा से ही चुनाव लड़ सकते हैं आरजेडी के टिकट पर। तो निश्चित रूप से बड़ी खबर है, और पवन सिंह जो बीजेपी में अब तक थे, अभी तक हैं भी, उन्होंने भले ही इस बात का खुलासा नहीं किया किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन चुनाव लड़ने का ऐलान कर उन्होंने साफ कर दिया है कि उनके लिए बीजेपी ही नहीं दूसरे दलों के भी दरवाजे खुले हैं, और इस बात की पूरी संभावना है कि बिहार में ही, चूंकि वो चुनाव लड़ना चाहते थे, तो बिहार में अगर बीजेपी से बात नहीं बन रही है तो इस सिचुएशन में वो दूसरे दल से चुनाव लड़ सकते हैं। ठीक है अमितेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। झारखंड बीजेपी प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की, साथ ही आगामी लोकसभा चुनाव में जीत का लक्ष्य तय किया। न्यूज 18 से खास बातचीत में वाजपेयी ने कहा है कि कार्यकर्ताओं में सकारात्मक ऊर्जा है और सभी को 14 सीट पर जीतने का मंत्र दिया गया। धनबाद और चतरा सीट पर जल्द ही उम्मीदवार के नाम का ऐलान होने की उम्मीद जताई गई है। और लक्ष्मीकांत वाजपेयी से बात की है रांची संवाददाता निरंजन ने। प्रदेश प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी की सीधे से बात करें सर, दोहरा दो तीन दिन का रहा, क्या पूछ रहा सर? कार्यकर्ताओं से संवाद और संगठन के बारे में जानकारी, कुल मिलाकर मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि चार जिलों में मैं गया, चारों जिलों में घोषित प्रत्याशी के पक्ष में काम करने के लिए कार्यकर्ता कर संकल्पित है, इसमें कहीं मुझे लेश मात्र भी कठिनाई नहीं महसूस। राजनाथ सिंह जी सर आ रहे हैं, राजनाथ जी 15 बार हैं, वो मुझसे वरिष्ठ नेता हैं, वो जब प्रदेश अध्यक्ष रहे तब मैं उनकी टीम में था, जब वो माननीय मुख्यमंत्री रहे तो मैं मुख्य सचेतक था, और आज वो भारत सरकार में माननीय रक्षा मंत्री है, तो स्वाभाविक भी है कि वो हम सब इतने सीनियर नेता हैं, उनके आने का लाभ तो होगा ही होगा। देखिए पहली बार भारतीय जनता पार्टी में पूरा है कि नामांकन के काफ़ी समय पहले, अभी तो अधिसूचना नहीं जारी हुई, अलग